अभी चंद दिन पहले तफसीर से पहले उम्रे पर जाने से पहले एंजियोग्राफी की जरूरत पेश आई, तो एंजियोग्राफी तो अपने वक्त पर शुरू होती, उससे पहले ही मेरी तबीयत गैर मामूली खराब हो गई अस्पताल में। अजीज हुमैद सल्लमहु आए, उन्होंने मुझे देखा तो फौरन अपने आप फोन किया कि वो जो बछड़ा कड़ा है फौरन काटे। मैंने दिल में सोचा कि इस गरीब के यहां एक बछड़ा है वो मेरी तरफ से काट रहा है, तुम खुदा को क्या जवाब दोगे जहां 800 भैंसे और गाय। मैंने अपने खादिम समीउल हक और अब्दुल गफार तो साथ ही था वहां, मैंने कहा 10-11-12 भैंसों और गाय पे निशान लगाओ और 2-3 अभी काटो। अल्हम्दुलिल्लाह आराम आया, बिल्कुल आराम आया। और इस वक्त दौरे तफसीर के लिए तमाम बछड़े और जानवर अपने बाड़े के कटेंगे। कल मैं गया था दर्स के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह 75 जानवरों का रेवड़ जो ऐसे ही फिर रहा है। मैंने कहा इनमें जो तकड़े तकड़े हैं खूबसूरत है और गाबन नहीं है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जिस खुदा ने हमें तफसीर पढ़ाने की तौफीक दी, शुक्र है उसने हमें बछड़े और गाय भैंसे काटने की भी तौफीक दी।